जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की रोज आपकी सुबह 9:30 बजे क्लास होती है, ट्रिकी वीडियो, जिसमें हम बहुत सारी चीजें याद करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत कुछ याद करवाया है दोस्तों, आदिकाल की पूरी रचनाएं, भक्ति काल की रचनाएं, रीति काल की रचनाएं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सब कुछ याद करवा दिया है। और ये लगभग दोस्तों आपका 27वां वीडियो है हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें हिंदी साहित्य ट्रिक्स, तो पूरे वीडियो आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और दोस्तों चैनल के ज्वाइन मेंबर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा, ट्रिक भी बताई जाएगी, तो जल्दी से बताएं बकरी बिलाप के रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकेंड है आपके पास, और आपको पता है दोस्तों कि भारत में बकरी बहुत हैं, भारत में बकरियाँ बहुत हैं, अगर किसी की बकरी को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग बिलाप करने लगते हैं। भारत में किसी की बकरी को किसी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो क्या करने लगते हैं, बिलाप करने लगते हैं। कहाँ पर? भारत में। तो बकरी को कुछ हो जाता है तो बिलाप करने लगते हैं भारत में, तो भारतेंदु। किसकी रचना हो जाएगी ये? भारतेंदु। बोले बकरी को कुछ हो गया तो बिलाप करते हैं भारत के लोग, तो भारतेंदु जी की ये रचना हो जाएगी। यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि लास्ट में आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना होता है, और सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी वो आपको बताना होता है, ठीक है। आनंद अरुणोदय के रचनाकार बताना है दोस्तों, 4 विकल्प हैं और 4 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। 2 सेकंड में आपने उत्तर का चयन किया है, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। और दोस्तों अगर कोई 2 शब्द प्रेम के आपसे बोल दे तो आनंद आ जाता है। कई के शब्द बोल दे प्रेम के, 2 शब्द प्रेम के बोल दे तो आनंद आ जाता है। तो आनंद अरुणोदय रचना किसकी होगी, प्रेमघन की कि भारतेंदु की? प्रेमघन की होगी ना। और दोस्तों आपको पता है एक इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका भी निकाली थी, आनंद कादम्बनी है ना, इसको भी आपको याद रखना है। आनंद कादम्बनी पत्रिका किसने निकाली थी? प्रेमघन साहब ने, है ना। पूछा जाता है आनंद कादम्बनी पत्रिका किसने निकाली थी? प्रेमघन ने। अगला है प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार दोस्त कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि प्रेम की संपत्ति किसके पास थी? हम बोलते हैं कि हमारे ये प्रॉपर्टी है, हमारी वो है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जो प्रेम रूपी संपत्ति थी वो किसके पास थी? आपको पता होगा, आप पढ़ते हैं कि मोहन के पास, मोहन यानी कि श्री कृष्ण के पास थी दोस्तों प्रेम रूपी संपत्ति। तो याद रख लेना, मोहन से जगमोहन, ठाकुर जगमोहन, है ना। आपने पढ़ा होगा कृष्ण जी के पास क्या थी? प्रेम रूपी संपत्ति, सब लोग उनसे प्रेम करते थे, तो प्रेम रूपी संपत्ति किसके पास थी? मोहन। तो मोहन से बनेगा जगमोहन, ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति लता, ठीक है। अगला है मन की लहर के रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी मन में लहर उठ जाए कि हमें पढ़ाई करना है, कभी मन में लहर उठ जाए तो कि हमें पढ़ाई करना है, तो उसका प्रताप बहुत होता है दोस्तों, उसका प्रताप बहुत होता है, और आप IAS IPS बन जाते हो, है ना। तो मन में पढ़ाई की लहर उठानी है ना, और उस लहर का इतना प्रताप होगा कि आप IAS बन जाओगे। तो काय का प्रताप है? मन की लहर का प्रताप है। बोले ये तो IAS कैसे बन गए? वो तो ये तो मन की लहर का प्रताप है जो हम IAS बन गए, तो मन की लहर का प्रताप, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि भारत में नहीं सब जगह कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं, है ना, 12 महीना होते हैं। और आपको पता है कि भारत में 12 मासा जो है राधा और कृष्ण की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। भारत में 12 मासा राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो भारत 12 मासा के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? राधा कृष्णदास, है ना। बोले सर भारत में 12 मासा राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए राधा कृष्णदास
इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, पावस पचासा की रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, पाँव है ना, और ये क्या आ रहा है, पचास। अब आपको पाँव पचास बार पढ़ना है किसके, अम्बे। आप वो आरती करते ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, पढ़ते ना आरती, वो ही है। पाँव पचास बार पढ़ना है बोले अम्बे के, तो अम्बे से बनेगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास पाँव पचासा, पावस पचासा, इस प्रकार से पावस पचासा। और अम्बे के पढ़ना है तो अंबिका दत्त व्यास की रचना होगी, कौन सी, पावस पचासा। कितने बार पढ़ना है, पचास बार, किसके, अम्बे के, तो अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको पता है कि भारत दुर्दशा है ना, अब यहाँ पर भारत आ रहा है और भारत दुर्दशा, तो ये भी रचना किसकी होगी, भारतेंदु की होगी, है ना। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते लोग, इस प्रकार से आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत धर्म की रचनाकार कौन है दोस्तों? भारत धर्म, और आपको पता है कि भारत में जब लोग धर्म करते हैं तो दोस्तों किसके पास जाते हैं, अम्बे, अम्बे माता है ना, काली जी के पास जाते हैं, बोले हम तो धर्म करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले अम्बे के पास जा रहे हैं, अम्बे। तो भारत में धर्म करते हैं लोग अम्बे के पास जा करके, तो अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास। भारत धर्म के रचनाकार कौन होंगे, अंबिका दत्त व्यास, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश दशा के रचनाकार कौन है दोस्तों? देश दशा, देश दशा बताना है दोस्तों। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण सोचते होंगे कि अपने समय में भारत की दशा बहुत अच्छी थी है ना, बहुत प्रेम करते थे लोग, अब देखो देश की दशा कैसी हो गई, देश की दशा कैसी हो गई, कौन सोच रहे हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण दास है ना, राधा कृष्ण दास, देश की दशा है ना। अब याद रख लेना, कभी नहीं बोलना, कौन सोच रहे हैं देश की दशा कैसी हो गई, राधा कृष्ण दास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोकोक्ति शतक की रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं, और लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं इनका प्रताप बहुत होता है दोस्तों। आपने अंदाज किया होगा अपने आसपास पड़ोस में अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोकोक्ति फेंक देते हैं, एक आध कुछ कुछ होता है और डायलॉग में लोकोक्ति फेंक देते हैं, तो लोकोक्ति का प्रताप बहुत होता है, क्या होता है, प्रताप। तो लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर लोकोक्ति का प्रताप होता है, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, लोकोक्ति शतक। ठीक है, याद रखेंगे, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों दशरथ बिलाप, दशरथ बिलाप के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता है कि जो दशरथ बिलाप है, ये दशरथ बिलाप भारत के लोगों ने देखा कि अमेरिका के लोगों ने देखा, जब रामायण चल रही थी लॉकडाउन में, तो क्या चल रही थी, रामायण, और रामायण में जब वनवास हुआ राम जी को, तो दशरथ बिलाप कर रहे थे, और दशरथ बिलाप कर रहे थे तो भारत के लोगों ने देखा, भारत के जन बच्चों ने देखा, तो दशरथ बिलाप के रचनाकार कौन होंगे? भारत के ने देखा तो भारतेंदु है ना, अमेरिका वालों ने तो नहीं देखा है ना, भारत के लोगों ने देखा तो भारतेंदु। ठीक है, अगला है वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको याद रख लेना है, भारतेंदु को भारत से जोड़ना है, बस भारतेंदु को भारत से। और आपको पता है कि भारत में ऐसी वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा गुच्छा ही फूलता है ना, भारत में ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा फूल का गुच्छा फूलता है, कहाँ पर, भारत में। तो भारत में वर्षा होती है तो वर्षा विनोद है ना, और फूलों का गुच्छा फूलता है तो फूलों का गुच्छा, ये भी भारतेंदु की है, वर्षा विनोद भी किसकी है, भारतेंदु की है। ठीक है, और एक जगत विनोद पूछी जाती है दोस्तों, जगत विनोद ये रत्नाकर जी की है ना, और आपने एक मिश्र बंधु की जो रचना है वो आपको बतानी है वो कौन सी विनोद है ना, तो वर्षा विनोद और फूलों की गुच्छाई किसकी है, भारतेंदु जी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सौ अजान एक सुजान की रचनाकार कौन है दोस्तों? सौ अजान एक सुजान, बोले ऐसा क्या है सुजान में कि सौ अजान और एक सुजान, ऐसा क्या है सुजान में, तो बोले भैया सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं, क्या हैं,
सुजान की, आपने देखा होगा घनानंद जी की प्रेमिका का नाम था सुजान, है ना। अब बोले 100 अजान और 1 सुजान, तो बहुत सारे लोग बोले यार सुजान में ऐसा क्या है, तो बोले सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं, तो बाल से बनेगा बालकृष्ण भट्ट। सुजान के क्या हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, 1 अजान और 100 सुजान, है ना। एक इसकी है बालकृष्ण भट्ट जी का, है ना। ये 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हिंदी प्रदीप के ये रचनाकार थे, तो हमने आपको याद करवाई थी ट्रेक कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। तो प्रदीप हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, और 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड है। नूतन मतलब होता है नया, नूतन मतलब होता है क्या, नया। अब नया ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी कौन बनेगा, कोई बालक ही बनेगा, कोई बाल बनेगा, है ना। तो आपने एक सुना होगा बाल ब्रह्मचारी और एक सुना यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी। बोले सर कोई नया बाल ब्रह्मचारी बनेगा तो वो बाल बनेगा, तो बालकृष्ण भट्ट, है ना। कोई बालक बनेगा तो बालकृष्ण भट्ट, और इसको बाल ब्रह्मचारी कर दो, बाल ब्रह्मचारी। तो ये बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। ए नंबर, सी नंबर आपका बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों, बाल विवाह नाटक। अब यहाँ तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर बाल आया है और यहाँ पर भी बाल आ गया, तो बाल विवाह के बालकृष्ण भट्ट हैं, है ना। तो 7 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों लालित्य लहरी की रचनाकार कौन है, लालित्य लहरी, और 4 विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोग बहुत लालायत रहते हैं, काय के प्रेम के। आपने वो गाना सुना होगा कौन सा, कि हायो रब्बा दिल करता है देखो अजब तमाशे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। तो कुछ दोस्तों क्या है, प्रेम के बहुत प्यासे रहते हैं, लालायत रहते हैं, लालायत। तो ये लालित्य से लालायत, है ना। तो लालित्य लहरी, अभी आपने साहित्य लहरी पढ़ी होगी, है ना, लेकिन अब लालित्य लहरी, तो ये लालित्य लहरी से लालायत, बोले लालायत रहते हैं, काय के प्रेम के। तो ये प्रेम की रचना है, प्रेम घन की रचना है, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लालायत रहते हैं, काय के प्रेम के। तो लालित्य लहरी प्रेम घन की है, है ना। और ललित ललाम एक पूछी जाती है, ललित ललाम मतिराम की रचना है ना, तो ललित ललाम रीति काल में मतिराम की है। लालित्य लहरी ये भारतेंदु युग में प्रेम घन की है, क्योंकि लालित्य से लालायत रहते हैं प्रेम के, ठीक है। श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, एक इसकी रचना है दोस्तों। आपको श्यामा से श्याम और श्याम कृष्ण को बोलते हैं, और कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मोहन, तो मोहन की होगी जगमोहन सिंह ठाकुर, है ना। श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, है ना। तो श्याम किसको बोलते हैं, मोहन को, तो जग ठाकुर जगमोहन सिंह की दोनों रचना है, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ठीक है। किसकी है, जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन है बंदर सभा के रचनाकार कौन है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि भारत में बंदर की भी सभा होती है, भारत में बंदर की भी सभा होती है, अमेरिका अमेरिका में नहीं होती, कहाँ होती है, भारत में। तो भारत में बंदर सभा होती है, तो बंदर सभा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, बंदर सभा भारत में होती है तो कौन होंगे, भारतेंदु की प्रेमघन, भारतेंदु होगी ना, भारत में होती है बंदर सभा, तो भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देवयानी के रचनाकार कौन है दोस्तों, देवयानी। देव, देव यानी क्या होता है, देव यानी, बोले सर देव यानी होता है मोहन, यानी कि कृष्ण जी, देव यानी मोहन, देव यानी मोहन। अब बोलते ना कि देव यानी क्या होता है, देव का मतलब क्या होता है, ऐसे करते ना, तो देव यानी मोहन, देव यानी मोहन, ठीक है। तो देव यानी के रचनाकार कौन होंगे, जगमोहन सिंह ठाकुर, जगमोहन सिंह, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है दोस्तों। आपको पता है कि पहले क्या करते थे, जो भगवान थे वो क्या करते थे, प्रेम करते थे, तो बोले ये तो अलौकिक लीला है, भगवान प्रेम करते थे तो अलौकिक लीला है, तो क्या करते थे, प्रेम, तो प्रेम से प्रेम घन, अलौकिक लीला, है ना। बोले ये तो अलौकिक लीला है, प्रेम की अलौकिक लीला, प्रेम की अलौकिक लीला, याद रख लेना इस प्रकार से, प्रेम की अलौकिक लीला, यानी कि अलौकिक लीला के रचनाकार कौन होंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका एक लास्ट वाला और चैलेंज वाला प्रश्न है कि आपको बताना है कि कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। ये उत्तर हर व्यक्ति को बताना है जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सभी के कमेंट में चेक करूंगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों ज्वाइन मेंबर बनने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा चैनल के, जहां पर आपको सिल्वर प्लान मात्र 59 रुपये पे करके और गोल्ड प्लान दोस्तों मात्र 159 रुपये पे करके और डायमंड प्लान 299 रुपये पे करके आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रिकें हैं, बहुत कुछ आपको दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर जरूर बने, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और IAS स्टडी ट्रैक टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।